आपके पास गई थी ना मैनपुरी, तो इन्हें पता चला मैं वहाँ गई, तो ये आ जाए मेरे पास। मेरे ऊपर पता नहीं कौन सा तेल डाला, मिट्टी गई था मिट्टी का तेल डाला, उन्हें माच लगा, आग लगाई, मैं इतनी तेज चला। तीनों लड़कों ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद से एक सनसनी फैलाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें तीन दबंग युवकों ने एक नाबालिग को पहले डराया, धमकाया, फिर पूरे परिवार को मार देने की धमकी देकर महीनों तक गैंगरेप किया। जब मैं इंस्पेक्टर साहब के पास गई थी ना मैनपुरी, तो इन्हें पता चला मैं वहाँ गई, तो ये आ जाए मेरे पास। मेरे ऊपर पता नहीं कौन सा तेल डाला, मिट्टी गई था मिट्टी का तेल डाला, मैं माच लगा, आग लगाई, मैं इतनी तेज चली। तीनों लड़कों ने मामला मैनपुरी जनपद के कुरावली थाना क्षेत्र के मोहल्ला महाजन नगर का है, जहां की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ मोहल्ले के रहने वाले युवकों ने महीनों तक गैंगरेप किया। परेशान नाबालिग लड़की ने जब पुलिस का सहारा लेना चाहा, तो आरोपियों ने लड़की को अकेला घर में पाकर बंधक बनाया, उसके साथ रेप किया और बाद में उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। कितनी दिनों से महीना दो महीना था ये लगातार, हाँ ये ऐसा कर रहे थे। बच्ची ने नहीं बताया, बच्ची जो गुमसुम रहती थी, और बहुत जब मायूस हो गई, जब उसको ज्यादा दिमाग में टेंशन हो गया, तब इसने हमने पूछा कि भाई तुम गुमसुम क्यों बैठी, तब उन्होंने कहा था ऐसी ऐसी हमारे साथ में गुंडा छेड़ाखानी कर दी, और हमने कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, बोले हम इतने हमें भयभीत कर दिया, इतना टॉर्चर कर दिया, आई समझ में कि हमें ऐसा लगा कि अगर हम कहते तो हमारे माँ बाप भाई बहन को अकेला भैया है और वृद्ध हार्ट पेशेंट हमारे फादर हैं, पिता हैं, तो इन पर कोई अटैक कर दिया। तो परिजनों ने किसी तरह लड़की को बचाया, जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लड़की की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टर ने घायल लड़की को सिफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस का कहना है कि वो बहुत ही जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। मैनपुरी से संजय शर्मा के साथ राशि शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।